ब्रेकिंग की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर का सितम जारी है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर कोहरे का भी कहर बरकरार है। दिल्ली में कई ट्रेन और फ्लाइट्स लेट हैं। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर का सितम जारी है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर कोहरे का भी असर देखने को मिल रहा है और दिल्ली में कई ट्रेन और फ्लाइट्स लेट चल रही हैं। और साथ ही आपको बता दें, दिल्ली में कई ऐसी फ्लाइट्स हैं जिन्हें रद्द भी कर दिया गया था। तो उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर का सितम जारी है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर कोहरे का भी असर देखा जा रहा है और या यूं कहें कि कोहरे का कहर जो है बरकरार नजर आ रहा है। दिल्ली में कई ट्रेन और फ्लाइट्स को भी लेट किया गया है, कई फ्लाइट्स को रद्द भी किया गया है। तो लगातार कोहरे का असर जो है पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर का सितम जारी है। लोग ठिठुरने के लिए मजबूर हैं। ठिठुरन बहुत बढ़ती नजर आ रही है। लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर कोहरे का भी कहर बरकरार है। तो उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर का सितम लगातार जारी है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर कोहरे का भी कहर बरकरार है। दिल्ली में कई ट्रेन और फ्लाइट्स लेट चल रही हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जिसके बाद लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर का सितम लगातार जारी है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर कोहरे का भी कहर बरकरार है। दिल्ली में कई ट्रेन और फ्लाइट्स लेट हैं। ये तीन तस्वीर टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीर, हरियाणा और यूपी की तस्वीर आप देख रहे हैं। यूपी में भी कोहरा लगातार बना हुआ है। हरियाणा की बात करें तो विजिबिलिटी यहां पर सबसे कम दिखाई दे रही है और दिल्ली में भी घना कोहरा जो है छाया हुआ है। हालांकि अर्ली मॉर्निंग की तस्वीरें हैं, लेकिन इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलहाल किस तरीके के ताज़ा हालात हैं और किस तरह से कोहरा जो है हो रहा है और जिसके बाद लोगों का जनजीवन जो है अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो हरियाणा में भी लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये चार तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उत्तर भारत में कोहरा, अलाव के सहारे लोग, IGI एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स लेट चल रही हैं। कई जगह देरी से चल रही है ट्रेन, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है और काफी लंबे समय तक के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। गगन सांगर पिहोवा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गगन, फिलहाल पिहोवा की बात की जाए तो ताजा तस्वीरें कैसी हैं? अभी फिलहाल वहां क्या कुछ तापमान है, क्या कोहरा वहां पर देखा जा रहा है? बिल्कुल चविष्का, आपको बताना चाहूंगा कि इस समय सुबह के 9 बज चुके हैं और जो तापमान जो है तकरीबन जो है 60 डिग्री जो है दर्ज किया जा रहा है और विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं जो है देखने को मिल रही है। कोहरे की चादर जो है पूरे उत्तर भारत में जो है साफ तौर पर जो है देखने को मिल रही है। कड़ाके की ठंड जो है, शीतलहर का कहर जो है देखने को मिल रहा है। देखिए, इस पार्कों में भी जो लोग हैं जो सुबह के समय में जो सैर करने आया करते थे, वो भी अब इक्का दुक्का ही जो है देखने को मिलते हैं और जो लोग हैं अपने कंबलों में ही जो है बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि लोग जो है घरों से बाहर बहुत ही कम जो है दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस बार जो है उत्तर भारत के अंदर ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। कहीं जिस तरह से देखिए, मैंने आप जो नेशनल हाईवे की बात की जाए या ट्रेनों की बात की जाए या हवाई जहाज की फ्लाइटों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं काफी देरी से जो है चल रहे हैं और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो उन्हें काफी परेशानियों का जो है साफ तौर पर जो है सामना जो है करना पड़ रहा है। देखिए, धुंध की वजह से एक तरफ देखा जाए तो किसानों का कहना कि जिस तरह से ये धुंध पड़ रही है तो गेहूं की फसल के लिए जो लाभदायक है, लेकिन अन्य फसलों के लिए जो है हानिकारक है। और दूसरी तरफ जो है देखिए, बात की जाए तो ज्यादा ठंड होने की वजह से और कोहरे की वजह से जो है जनजीवन अस्त व्यस्त जो है हो चुका है। लोग जो है अलाव का सहारा लेते हुए साफ तौर पर जो है पूरे उत्तर भारत में जो देखने को मिल रहे हैं। मैं इस समय पिहोवा के पृथ्वीतक पार्क में मौजूद हूँ कि जो लोग है सुबह के समय में जो सैर करने आया करते थे, लेकिन इस समय एक इक्का दुक्का लोग ही जो है यहाँ पर जो है देखने को मिल रहे हैं। पूरे उत्तर भारत का ऐसा माहौल है। देखिए, कड़ाके की जो है ठंड पड़ रही है। सुबह के समय में तापमान बहुत ही ज्यादा नीचे गिर जाता है और शाम के समय में भी जो है सरकार के द्वारा भी जो गाइडलाइन जो जारी की गई है कि जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा जो है
ना निकले, दोपहर के समय में ही जो अपना जो है काम कर ले, क्योंकि सुबह के समय में जो है धुंध की चादर पूरी छाई होती है, विजिबिलिटी बिल्कुल भी जो है नहीं देखने को मिलती है। इस समय मेरे पीछे का अपना नजारा देख सकते हैं कि कुछ भी जो है नहीं जो है दिखाई दे रहा है, इससे आम जन जीवन पर काफी अस्त व्यस्त जो है हो चुका है। देखिए मंडियों की बात की जाए, सब्जी मंडियों की, तो वहां पर जो सब्जियां हैं वो भी कम मात्रा में जो है देखने को मिल रही है, और जो आ भी रही है वो बहुत ही महंगी जो है हो रही है, क्योंकि देखिए मैंने बताया कि जिस तरह से कि जो फोग पड़ रही है जो गेहूं की फसल के लिए जो है लाभदायक है लेकिन अन्य फसलों के लिए जो हानिकारक है, तो इस तरह का नजारा जो है पूरे उत्तर भारत में जो है देखने को मिल रहा है। ट्रेनें भी जो है लेट चल रही है, और जो है नेशनल हाईवे भी जो सड़कों पर जो गाड़ियां जो चल रही है रिफ्लेक्टर लगाते हुए जो है चल रही है, और बहुत ही धीमी गति से जो है चल रही है। देखिए सुबह के समय में अधिकतर जो लोग ऑफिस में जो जिन्हें जाना होता है वो भी काफी देरी से जो है पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। जी जी चलिए, मौसम की मार तो लोगों को झेलनी पड़ रही है, हालांकि प्राकृतिक है और इसको झेलना भी लोगों के लिए मजबूरी हो गया है, लेकिन अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार क्या कुछ कर रही है इन चीजों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया सब्जियों का भी बहुत नुकसान हो रहा है सब्जी मंडी में, और साथ ही लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है। ऐसे में लोग भी ये सोचते हैं कि वो घर पर ही रहें और जो उनके पास है उसी से गुजर बसर करें, तो फिलहाल सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो क्या कुछ उनकी तरफ से किया जा रहा है? बिल्कुल चविश का बताना चाहूंगा कि सरकार के द्वारा देखिए देखिए बात की जाए तो पूरे हर प्रदेश के अंदर जो है रैन बसेरे जो है बनाए गए हैं, जो लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ट्रेनें या बसेस जो है लेट चल रही है, तो उनके लिए रैन बसेरे जो है बनाए गए हैं। दूसरी बात जो है सरकार के द्वारा जो है प्रशासन को जो है अलर्ट जो है करने के लिए कहा गया कि जो गाड़ियों में जो है सफर जो है कर रहे हैं उनकी गाड़ियों पर जो है रिफ्लेक्टर जो है जरूर लगवाए कि कोई हादसा ना हो सके, क्योंकि धुंध की वजह से काफी हादसे भी जो है प्रदेश के अंदर जो है पिछले दिनों में जो है देखने को भी मिले थे। सरकार के द्वारा गाइडलाइंस भी जो जारी की गई है कि जरूरी काम हो तभी जो है घर से बाहर निकले, अन्यथा जो है ना निकले, क्योंकि इस समय जो है मौसम विभाग के द्वारा भी जो है अलर्ट जो है जारी किया गया है कि आने वाले कुछ दिनों में इस तरह की ही जो है ठंड जो है पूरे उत्तर भारत में जो है रहने वाली है, और जो है टेम्परेचर भी काफी कम जो है रहने वाला है। तो सरकार के द्वारा भी जो है काफी जो है लोगों से जो है अपील जो है की गई है, और लोग जो इसका पालन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ठंड भी बहुत ज्यादा हो चुकी है, और देखिए जिस तरह से इसका ठंड का असर सीधा बच्चों और बूढ़ों पर ही जो है देखने को मिलता है, क्योंकि ठंड की वजह से काफी जो है बीमारियां भी हो जाती है, जिस तरह खांसी जुकाम तो काफी तकलीफ जो है हो जाती है, जिस तरह से हॉस्पिटलों के अंदर भी काफी कम जो है लोग जो आते दिखाई दे रहे, क्योंकि मौसम बना रहेगा। बहुत शुक्रिया गगन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीर हमें दिखाने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, लगातार उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है जिसकी वजह से ट्रेनें लेट चल रही हैं, फ्लाइट्स लेट चल रही हैं, और कई ट्रेनों को और कई फ्लाइट्स को भी रद्द कर दिया गया है क्योंकि लगातार कोहरा बना हुआ है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर का सितम लगातार जारी है और ऐसे में तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, और साथ ही साथ लगातार लोग जो है ठिठुरन झेलने के लिए, और साथ ही आपको बता दें ठंड झेलने के लिए मजबूर हो गए हैं।